अमेजन जंगल एक ऐसा जंगल जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। कहते हैं कि इस जंगल में कोई व्यक्ति धोखे से भी फंस जाए तो उसका यहाँ से बाहर निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अमेजन जंगल में जीव जंतुओं की करोड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे अधिक मात्रा में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और यहाँ के कुछ कीड़े सामान्य कीड़ों से काफ़ी बड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हर किसी की रूह कांप उठती है। जैसे कि अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड, यह कीड़ा अमेजन जंगल में सबसे फेमस कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कनखजोरा की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी लंबाई 3.5 फीट तक हो जाती है। इन्हें भूख लगने पर यह हर किसी जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। कभी कभी तो यह सांप और मेंढक को भी नहीं छोड़ते, यह अधिकतर अपना शिकार रात में करते हैं। दोस्तों, यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह 70 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। यह 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इसका 60% हिस्सा ब्राजील में फैला है, इसके बाद पेरू में 13% और बाकी का हिस्सा कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना में फैला है। इस जंगल में 420 अरब से भी अधिक पेड़ मौजूद हैं। यह जंगल इतना घना है कि इसके कई हिस्सों में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। इस जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह धरती को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। यहाँ के बड़े से लेकर छोटे जीव भी किसी से कम नहीं है। यहाँ की चींटियाँ भी इतनी जहरीली होती हैं कि किसी को भी खून के आंसू रुला सकती हैं। डबलेट आंट नाम की यह चींटी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन अगर यह किसी इंसान को काट ले तो उसे इतना ज़्यादा दर्द होगा कि जैसे उसके किसी ने गोली मार दी हो। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से भी अधिक मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टेरनटूला नाम की मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। यह सामान्य मकड़ी से बड़ी होती है। इसकी लंबाई करीब 15 सेंटीमीटर होती है। यह इतनी जहरीली होती है कि अगर इसका जहर किसी के शरीर में चला जाए तो उसकी चंद मिनटों में ही मौत हो जाएगी। अमेजन जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी बहती है, जिसे अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को धरती की लाइफलाइन भी माना जाता है। अमेजन नदी में हजारों नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ पेड़ पौधों की जरूरतों को पूरा करती ही हैं, साथ ही साथ इसमें रहने वाले जीवों को भी एक सिक्योर इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं। अमेजन नदी इस पूरे जंगल में से होते हुए ब्राजील से होकर अटलांटिक महासागर में जा मिलती है। अमेजन की इन नदियों में लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें अधिकतर इंसानों के लिए जानलेवा साबित होते हैं, जैसे कि एनाकोंडा। वैसे तो इंसानों में खौफ पैदा करने के लिए सांप का नाम ही काफी होता है। यहाँ एनाकोंडा की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसका खौफ यहाँ के सारे जीवों में देखने को मिलता है, क्योंकि यह सांप जंगल की धरती के साथ साथ पानी में भी अपना आतंक मचाए रखता है। यह सांप जहरीला तो नहीं होता, लेकिन यह अपने शिकार को उससे भी बुरी मौत देता है। आमतौर पर यह अपने शिकार की गर्दन को निशाना बनाता है और यह अपने शिकार को एक कुंडली बनाकर उसे दबोच लेता है, फिर उसे सीधा निकल जाता है। एनाकोंडा अधिकतर बड़ी बड़ी मछलियाँ, मगरमच्छ और कभी कभी तो तेंदुआ और जगुआर जैसे जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है। अधिकतर एनाकोंडा की लंबाई 20 से 25 फीट तक होती है और साथ ही साथ इनका वजन 300 से 400 किलोग्राम तक भी हो सकता है। यह सांप जमीन पर उतने फुर्तीले नहीं होते जितने कि पानी में होते हैं। ज़्यादातर ये सांप पानी या फिर दलदली इलाकों में अपना शिकार करते हैं। अमेजन नदी में मछलियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक ईल नाम की एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसके अंदर बिजली उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने शिकार को बिजली का झटका देती है, जिससे शिकार की तुरंत ही मौत हो जाती है। इलेक्ट्रिक ईल मछली में इतना जबरदस्त करंट होता है कि यह किसी को भी 500 वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। यही कारण है कि यह कई बार अपने से काफ़ी बड़े जीवों को भी मौत के घाट उतार देती है। इसके अलावा अमेजन नदी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे खतरनाक मछली प्रहन्ना है। यह मछली इतनी खतरनाक होती है कि अब तक इस पर कई सारी हॉलीवुड मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। इस मछली का जबड़ा बेहद ही खतरनाक होता है और इनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। यह मछलियाँ अधिकतर मरे हुए जीवों को खाती हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने शिकार के लिए जीवित प्राणियों पर भी हमला कर देती हैं। यह मछलियाँ अधिकतर अपने झुंड में रहना पसंद करती हैं और इसीलिए इन नदियों में इनका आतंक मचा रहता है। इसके अलावा इन नदियों में ऐसे विचित्र प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कहा जाता है कि यहाँ ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑक्टोपस में 3 दिल में से 2 दिल शरीर में खून सप्लाई करते हैं, जबकि 3रा दिल खून को पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है और इनके अंदर नीले रंग का खून पाया जाता है। वैसे तो ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां अमेजन नदी में भी पाई जाती हैं और ये इतने जहरीले होते हैं
कि ये किसी इंसान को छू भी लें तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। अमेजन जंगल में हर साल सैकड़ों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते। इनमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं और वो बचे हुए लोग अपनी बीती हुई डरावनी थ्योरी सामने रखते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ भी पाए जाते हैं जो बड़े बड़े जानवरों या फिर वहाँ पर फंसे हुए इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जब कोई जीव उनके संपर्क में पहुँचता है तो वे अपनी शाखाओं के माध्यम से उस जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। अमेजन जंगल में मेंढकों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मेंढक बड़े और कुछ छोटे आकार के होते हैं, और ये छोटे मेंढक सामान्य मेंढकों से 3 गुनी लंबी जंप लगाते हैं। जैसे कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये मेंढक देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और मासूम दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना ज़्यादा जहरीला जहर होता है कि ये एक मेंढक एक साथ 10 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इस जंगल में अभी तक इस मेंढक की करीब 180 प्रजातियों को ढूंढा जा चुका है, इसीलिए ये मेंढक अलग अलग रंग के होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस जंगल में एक ऐसी खतरनाक नदी बहती है जिसका टेम्परेचर 55 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसीलिए इस नदी का पानी हर समय उबलता रहता है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि गलती से भी कोई जीव गिर जाए तो उसका भर्ता बनना निश्चित है, और इसीलिए यह नदी अमेजन जंगल को और अधिक रहस्यमय बनाती है। दोस्तों, अगर बात करें इस जंगल के क्लाइमेट और नेचर की, तो इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल ऐसा है जैसे लाखों साल पहले धरती का हुआ करता था, और इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ टाइटनोबोआ जैसे प्राचीन सांप आज भी जिंदा हैं। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं जानते, पर इतना तो कह सकते हैं कि जिस तरह से हम इंसान समुद्र के 95% एरिया के बारे में नहीं जानते, ठीक उसी तरह से हम इंसान अमेजन जंगल के सिर्फ 25% एरिया को ही ठीक से एक्सप्लोर कर सके हैं और बाकी के 75% एरिया के बारे में अनजान हैं। और इस अनजान एरिया में ऐसे ऐसे जानवर भी हो सकते हैं जिन्हें अभी तक खोजा ही नहीं गया हो, और हो सकता है कि टाइटनोबोआ आज भी इस अनजान एरिया में रहता हो। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।